हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे हो। मैं हूँ आपका दोस्त शोभित। तो ट्रैवल विदाउट मनी, हाउ टू ट्रैवल, कैसे करें विदाउट मनी, कैसे ट्रैवल करें, सारा कुछ बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बोलूँगा, जो नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे हाथ में अभी देखो बिस्किट है, तो ये भाई साहब ने हमको चाय दिया, चाय बिस्किट खाने जा रहे हैं। सुबह का मेरा ये नाश्ता है अभी, तो ये देख लो। और सुबह के बज रहे हैं 8:30, और देख लो भाई अच्छी खासी धूप निकल पड़ी है। और मैं इस ढाबे पे रुका हूँ, तो ये यूपी हरियाणा पंजाब वाला ढाबा है। तो हम कल रात को यहाँ पे आ गए थे, फिर यहीं पे खाना पीना खाया, और यहीं पे हमको जगह मिल गई थी सोने के लिए, हम सो गए थे। तो अभी हमने देखो रेडी हो चुके हैं, असम में हूँ, असम से अब गुवाहाटी जा रहा हूँ। तो आप ये देखो भाई, मैं चेकिंग कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखो सुबह सुबह गिफ्ट मिल गई है, और ये भैया ने दिया। भैया कहाँ तक जा रहे हैं आप? ये कितना दूर होगा यहाँ से? 50 किलोमीटर। आपका क्या नाम है? पनी भैया का नाम है, पनी वर्मा। और ये 50 किलोमीटर जा रहे हैं। देखो भाई असम में हम क्या सुन रहे हैं, टावर ऑफ पंजाबी जट्टा आले सेली। ये भैया का ऑफिस है, और अभी तक हमारी लिफ्ट यहीं तक थी 55 किलोमीटर की। अब यहाँ से लिफ्ट लेता हूँ लंबी। तो ये सोलो राइडर रुके हैं भाई। कहाँ तक जा रहे भैया आप? गाइस देख लो, मुझे लिफ्ट मिल गई भाई राइडर से। आप ब्लॉगर हो क्या भाई? सुपर बाइक मिली, BMW गाड़ी से, क्या बात है भाई। तो ये देख लो, ये भैया का मोटो ब्लॉगर है। और कहाँ से यात्रा कर रहे हो? असम से नेपाल की यात्रा कर रहा है ये। अच्छा, तो भाई देख लो, मोटो ब्लॉगर से मिलने का मौका मिला हमको। गाइस देख लो, मुझे सुपर बाइक से लिफ्ट मिली है। अब लोग कार से नहीं, बाइक से घूम रहा हूँ। इतना अच्छा लगता है क्योंकि दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो देख लो भाई, आप यही से हो? हम पीछे से, अभी हम सामने से। अच्छा, तो ये असम से भाई है। ओके बाय बाय, राइड एंड ब्लॉग। वाह यार, मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी लूंगा। यार गाइस मजा आ गया भैया, देख रहे हो मैं किससे जा रहा हूँ, ये पुलिस वाली गाड़ी से। और ये सर जी गुवाहाटी जा रहे हैं। सर जी क्या नाम है आपका? नाम मधुकर। तो देख लो, इन्होंने मेरी हेल्प की है, थैंक यू सो मच। और पूरे फुल लग्जरी VIP गाड़ी से जा रहा हूँ भाई, आज तक कभी सोचा नहीं था कि ऐसी। हाँ जी, गुवाहाटी पुलिस। अच्छा, तो गुवाहाटी पुलिस से गाड़ी से लिफ्ट मिली है। और ये देख लो यार, सच में दिल खुश कर दिया गुवाहाटी में। देखो गाइस, मुझे सर ने लिफ्ट दिया है, और मैं कोशिश करूँगा कि कामाख्या माता मंदिर के आपको दर्शन करा सकूँ। तो ये सर का साथ हमें मिल गया है, तो आई होप माता रानी कृपा रही तो ज़रूर हम आएंगे माता के दरबार में, और दर्शन कराएंगे आपको, और मैं भी दर्शन करूंगा। तो ये सर हैं जो कि असम पुलिस में, और इनका ऑल इंडिया लगता रहता है ड्यूटी, तो यहाँ पे अगर कुछ होता है जुगाड़ तो करते कोशिश। और अभी हम इधर से जा रहे हैं यहाँ से, ये देखो ये, और ये पुलिस वाली गाड़ी से मुझे लिफ्ट मिली, देख रहे हो भाई। देखो भाई, सुबह सुबह का मुझे खाना मिल जाता है, और ये सर जी ने दिया है, तो पानी की बोतल और ये खाना दिया है। तो अभी जा रहा हूँ खाने भाई। एक ड्राइवर लाइफ कैसी होती है, ऐसे जीवन चलता है ड्राइवर बंदे का, तो चाहे जिसमें फोर्स में हो चाहे वैसे, तो ये होती है लाइफ। गाइस नॉर्थ ईस्ट का एक आपको नियम मुझे जानने को मिला, मैं चलो आपको शेयर कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे शादी में जो दहेज होता है, दहेज के खिलाफ है गवर्नमेंट और यहाँ की पब्लिक। तो दहेज में यहाँ पे कुछ भी नहीं लेते, और ना ही दहेज प्रथा होती है। तो ये देख लो भाई, ये कानून सुन के दिल खुश हो गया, और काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना। पंजाबी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, मैंने तीन वर्ड सीखे हैं, इन्हें सिखाए हैं, तो बताता हूँ। ना लगी से मतलब नहीं चाहिए, भा लगी से मतलब मिल के अच्छा लगा ना अंकल। और बताओ बताओ, आपको अगर सामान चाहिए, हाँ, लगे लगे एजु बोसू लागे, और अगर ये सामान नहीं चाहिए, हाँ, एजु बोसू ना लागे। अच्छा, आपको मिलकर अच्छा लगा, हाँ, तो बोलेगा भल लगी से। तो भाई ये थे वर्ड, अच्छा नहीं लगा, हाँ, तो भल लगाना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बोल सकते हो ना लगी से। ये देखो भाई, ये क्या है पता है? ये नॉर्थ ईस्ट का माउथ फ्रेशनर है। इसको खाने से हम कहते हैं मुंह में जो मतलब जो कुछ जो भी कुछ खाया होता है उसकी बदबू मिट जाती है। जैसे सिगरेट पीने वाला उसके लिए हो गया, या चिकन खाने वाला उसके लिए। तो ये है देख लो भाई, प्याज खाने वाला उसके लिए भी है।
ये माउथ फ्रेशनर है, ओरिजिनल है और ऑर्गेनिक है और ये शुद्ध है, तो ये खाने जा रहा हूँ। तो भाई बेजरा में हूँ और यहाँ की ये लोकल मार्केट है और आज है मंगलवार को, यहाँ पे मार्केट लगती है। तो देखो भाई कैसे लोग हैं, चारों तरफ सब्जी मंडी लगी है। ये देखो भाई साहब क्या नज़ारा है, क्या लुक वाइस आ रहा है, मज़ा आ रहा है देख के, देख रहा भाई। ये देखो भाई ब्रिज, तो भाई गुवाहाटी में मेट्रो सिटी कितनी गजब की बनाई है भाई, मज़ा आ रहा देख के, है ना, एकदम क्लीन है, देख रहा कहीं भी कहीं कोई कचड़ा नहीं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के पास। तो भाई सामने ये देखो मंदिर है और यहाँ से रास्ता जाता है, जय हो कामाख्या माता मंदिर, जय हो माता। देखो गाइस अगर गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर जा रहे हो तो ये बस जाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली और 20 रुपये लेती है एक बंदे का, तो ऐसे बहुत सारी बस चलती हैं, आप जा सकते हो। देखो गाइस मुझे कामाख्या मंदिर के लिए भाई ने लिफ्ट दिया है और ये भैया लिफ्ट मंदिर तक जा रहे हैं। तो भैया आपका क्या नाम है? रिफन भैया का नाम है और ये कामाख्या मंदिर तक का छोड़ देंगे, तो जय माता की दोस्तों। देख लो भाई एकदम घनी चढ़ाई है, मतलब कठोर सीधी चढ़ाई, तो यहाँ पे मंदिर का जो दरबार है। भैया नीचे गेट से कितना दूर होगा? 28 किलोमीटर जहाँ से आप गाड़ी यहाँ से पूरा मंदिर टॉप 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर तू? हाँ अच्छा 2.5 किलोमीटर, तो भाई 3 किलोमीटर की ज्यादा चढ़ाई नहीं है। बाकी भाई देखो रास्ता कुछ भी का गजब का है भाई, एकदम साफ क्लीन भाई, ऐसा लग रहा हम चंडीगढ़ में घूम रहे हैं। पूरी फीलिंग आ रही चंडीगढ़ वाली, देख रहे हो एकदम कहीं कोई कचरा नहीं। तो ये जो मंदिर हम जा रहे हैं गाइस, ये सिद्धपीठ माता का मंदिर है और यहाँ पे माता की यवनी की पूजा होती है और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, जाके मंदिर में बताते हैं आपको। ये देखो गाइस जो भैया ने हमको लिफ्ट दिया था, बोले कि यहाँ पे अपना सामान रख दो, खाना पीना खा लो, तो फिर मैंने अपने यहाँ पे सामान रख दिया और आईडी कार्ड दे दिया, अभी चलने हैं मंदिर की ओर, चलो चलते हैं। देखो भाई कितनी सारी भीड़ है, भीड़ देख रहे हो कैसे भीड़ है, और मैं जा रहा हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये भीड़ भाई 12 महीने ऐसे ही रहती है और भीड़ कभी नहीं ख़त्म होती। तो यहाँ पे पूछते हैं, टोकन वगैरह भी लेना पड़ता है, तो दिखाते हैं। बाकी ये दुकानें हैं, यहाँ पे आप ले सकते हो प्रसाद वगैरह। और भाई यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं, मुकेश अंबानी जी भी यहाँ पे आए थे, तो इतना का फेमस मंदिर है। इधर से रास्ता जाता है, बाकी ये इधर गेट है, तो यहाँ से पूछते हैं कूपन वगैरह कहाँ मिलता है। बोर्ड में लिखा भी हुआ है सिद्धपीठ टेम्पल माता कामाख्या मंदिर, तो यहाँ से पूछते हुए जाते हैं कहाँ जगह मंदिर है। तो यहाँ पे बताया कूपन वगैरह मिलता है, पूछते हैं किधर साइड कूपन वगैरह मिलता है और क्या है, इनसे पूछ लेते हैं भाई साहब से। तो भैया ने ये वाला रास्ता बताया, पूछते हैं मिल जाएगा क्या कूपन वगैरह। यहाँ पे भाई कूपन ले लो और इसके बाद क्या है प्रोसेस पूछ लेते हैं कूपन का। 7 से सुबह 7 से लेके सुबह 7 से शाम 7 तक। अच्छा ये कूपन मतलब वहाँ पे क्या, मतलब कूपन दिखाना पड़ता है मंदिर के लिए? अच्छा वहाँ से कूपन ले लो और ये सुबह से आपको टाइम बता दिया है, अब चलते हैं देखते हैं, अगर दर्शन हो जाएंगे तो आपको भी दर्शन कराते हैं। देखो भाई जब भीड़ होती है तो यहाँ से मतलब एंट्री होती है, देख लो ये गेट बनाया यहाँ पे। बाकी ये मंदिर एरिया है, ये मार्केट है, तो यहाँ से शायद जल वगैरह चढ़ाया जाता, भंडारा वाली जगह है, यहाँ पे भंडारा खा सकते हो भैया, जबकि यहाँ पे लिखा सामान्य कतार। तो यहाँ से भाई जनरल वो लोगों के लिए जाने के लिए रास्ता, और चलो फाइनली बता दिया लोगों ने रास्ता, ये रास्ता है देख। यहाँ से चलते हैं और जल्दी से चलते, नहीं तो शायद मंदिर का बंद होने का प्रोसेस होगा। ये देखो भाई ये रास्ता है आपका एंट्री गेट, हाँ मिल गया। और तो भाई ये कुंड है, यहाँ पे नहाने से कहते हैं पाप मिट जाते हैं, पर अभी टाइम नहीं है, चलते हैं मंदिर की ओर। और ये देखो यहाँ पे पंडित वगैरह बैठे, पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो भाई एकदम से खाली मंदिर है, वाह यार आई एम लकी। अच्छा यहाँ पे लगता है लोग बैठे हैं, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा वेट, तो कोई बात नहीं करेंगे वेट, ज़्यादा बस लंबी लाइन ना हो, देखता हूँ क्या प्रोसेस है। जब सती माता ने देह त्यागा था तो फिर भगवान शिव उनकी याद में वो फिर शरीर को लेकर घूमने लगे थे, इसके बाद विष्णु भगवान ने उस सुदर्शन चक्र से फिर शरीर काटा था। तो फिर क्या था कि जो योनि पार्ट था, गर्भ पार्ट था, वो फिर इस पहाड़ी में नीलांचल पहाड़ी का नाम है, वहाँ पे गिर गया था। तो यहाँ पे ना
तब से वो मंदिर फेमस होगा। और वो फिर रूप देवी माता का रूप ले लिया और उसका नाम पड़ गया कामाख्या माता मंदिर। और ये पौराणिक कथा अनुसार है, तो जो हमें इतिहास पता था वो हमने आपको बताया। तो हमने देखो ये कुंड है, यहाँ पे लोग अक्सर नहा के जाते हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप नहा के भी जा सकते हो। ये टिकट मिल जाता है आपको, ये टिकट आपके पास होना चाहिए। तो ये भाई मंदिर का एंट्री पास है, तो ये आपका टिकट होना चाहिए जो कि निःशुल्क है। सुबह से आप लेकर के शाम तक का खुला रहता, तो आप ये ऐसे कूपन मिल जाता, ये जरूर ले लेना आप। कामाख्या माता मंदिर के भंडारे की जो टाइमिंग है 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलता है, इसके बाद यहाँ पे तो कम लाइन पे लगे हैं। ओ भाई बंदा मंकी भाई, सामने देखो मंदिर है और हमें यहाँ जाना लाइन पे, और शाम का टाइम हो गया यार। तो ये भैया है काली वाली चाय मांग रहे इन चाचा से बोलो कि काली वाली चाय दे दो भाई, काली चाय दे रहे हो कि यहाँ कहाँ यार दूध मिलता है वो डिब्बे वाला बोल दो वाला। भाई कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? चश्मा लगाओ ना सर फिर हो गए चाचा कैसी दूध पी है सर? चाचा नहीं, लेमन टी का लेमन नहीं, लेमन टी ला रहे, लेमन टी यार। तो भाई के साथ नाइंसाफी हो गई, काली वाली चाय भाई मांग रहा था पर लेमन टी बोल के मन खराब, दिल तोड़ दिया चाचा ने। कोई बात नहीं, मंदिर पे दर्शन कर लो फिर पे लेना चाय। टाइम से बोलो जय माता की, जय माता की। तो गाइस देख लो शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ पे फाइनल गेट पे पहुंचे और ये पर्ची हो जाएगी, जमा हो जाएगी आगे। में दर्शन मिल गए और काफी अच्छे दर्शन हुए, तो अनबिलीर का शाम का टाइम का नजारा देखो कैसा है, भीड़ है भाई। और ये भीड़ हमेशा ऐसे रहती है 24 घंटे 12 महीने। दर्शन तो हो गए, दर्शन किन की वजह से हुए हैं आज मिला देता हूँ आपको। इन लोगों ने मेरा सामान सही जगह पे रखवा लिया और बोले कि जाओ दर्शन कर लो, तो ये सारा श्रेय भैया लोगों की जाता है क्योंकि देखो भाई मेरा खाना आ चुका है, ये खाना खाने जा रहा हूँ। दाल है, सब्जी है आलू की, और ये सूखी सब्जी है, पापड़ चावल है, अचार है, फिर भरता है आलू का। देख लो यहाँ पे भैया के साथ आया था, तो टैक्सी मुझे जो भैया थे इन्होंने बोला यहाँ पे चले जाओ खाना वगैरह खा लो, तो भैया लोगों ने मेरी पूरी हेल्प कर दी। मंदिर पे दर्शन करने के लिए यहाँ पे बोला बैग रख दो अभी चले जाओ, और ये इनका ढाबा है होटल है रेस्टोरेंट, तो इन्होंने पूरी मेरी तरीके अच्छी हेल्प की और थैंक यू भैया, बिजी है चलो मैं चल रहा हूँ। गाइस हम कामाख्या माता मंदिर आए थे, दर्शन होने के बाद हम यहाँ पे, ये देखो ये दुकान है जय जगदम्बा टी हाउस, तो ये भैया ने हमारी हेल्प कर दी और हमने सबसे अच्छी जगह मिल गई, प्लस इसके बाद हमको यहाँ पे वाईफाई दे दिया कि आप वीडियो अपलोड कर लो, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई से मिलके, और ये हमें जगह दे दी, तो हमने यहाँ पे अपना कैंप लगा लिया। तो ये भैया, भैया क्या नाम है आपका? दीपू भैया का नाम है, और काफ़ी मिलके अच्छा लगा, धन्यवाद भाई जी, और आप सभी का धन्यवाद भैया। तो आज रात हम यहीं पर रुकने वाले हैं। हेलो जी दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पे कैंप लगाया, भाई यहाँ के लोग सच में काफ़ी अच्छे हैं, असम के लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो मुझे, मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया था, फिर भी मुझे 3-4 बार लोगों ने पूछा, तो तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और सच में जब आप ऐसे लोग मुझे मिलते हैं ना, तो फैमिली की याद कम आती है, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली हो। और हाँ, तो मेरी फैमिली सो रही है अभी, पता नहीं क्या हो गया कि मैं बोलता हूँ कमेंट करके बता दो कैसा है, तो ऐसा लग रहा मेरी फैमिली सो रही है। जब आप कमेंट करते हो ना, सच में लग रहा कि मेरी, मुझे पता लगता है मेरी फैमिली सो रही या जग रही। तो यार आप कमेंट करके बता दिया करो, लाइक कमेंट शेयर किया करो वीडियो अगर अच्छा लगे तो। आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियो पे। तो आज रात हम यहाँ पे गुजार रहे हैं रोड पे, अभी के लिए बाय बाय।